हेलो इंटरनेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जोशी ट्रेवलर। सो आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक निकला क्योंकि सुबह मेरे को एक्चुअली लास्ट वीक से चल रहा है बैक पेन। सो आज मैं फिजियोथेरेपी कराने गया था और वहाँ पे थोड़ा अराउंड 2 आवर्स लग गए मेरे को और आज धूप बहुत ज़्यादा थी। तो आज मैंने नया फिजियोथेरेपिस्ट ट्राई करा, मैंने कहीं और जाके ट्राई करता हूँ। तो मैं नियरेस्ट ही कहीं पर गया, वहाँ पर सेंटर में अराउंड 2 आवर्स लग गए। एक तो पहले डॉक्टर थोड़ा लेट और भी ज़्यादा पेशेंट्स थे, तो वहाँ से फिनिश होकर बाद फिर मैं गौरव के घर गया। गौरव मेरे साथ ही थे, गौरव ने मुझे सजेस्ट करा था वो फिजियोथेरेपिस्ट, तो वहाँ पे गया। और उसके बाद इन्हों कराने के बाद फिर मैं गौरव के घर गया। गौरव के घर थोड़ा भूख लगी थी तो फिर खाना वाना ऑर्डर करके फटाफट से वहाँ से निकल गए हम डीकैथलॉन, क्योंकि मैं काफ़ी इन्हों महीनों से सोच रहा था कि मुझे एक शूज़ पसंद आए हुए थे और मैं बहुत इन्हों अराउंड 2 मंथ से सोच रहा था लूँ कब ना लूँ। उसके बीच मैंने काफ़ी अदर ब्रांड्स भी चेक कर लिए थे, पूमा के अंदर भी चेक करा था। मैं परसों गया था पूमा के शोरूम अपने फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे उसने शूज़ लिए थे पूमा से, बट मेरे को पसंद आ गए थे। एक उसमें फरारी के थे शूज़ वो, ओके, बट उनकी लुक बहुत पसंद आई थी, बट दे आर नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल, मुझे अच्छे नहीं लगे। बट जो मेरा मन था ना वो डीकैथलॉन वाले शूज़ पे अटका पड़ा था, तो फाइनली आज मैंने डीकैथलॉन जाके वो शूज़ ले लिए हैं। एंड वो शूज़ सीखते हैं कुछ इस तरह से, जो मेरे बैग में मेरी बेटी ने पकड़ रखे हैं शूज़ ना, वो शूज़ हैं। तो अब मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ, वो शूज़ कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द लुक ऑफ यू नो दिस पर्टिकुलर शू। सो इनकी लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इट्स अ बास्केटबॉल यू नो शूज़ हैं बेसिकली ये, तो कुशनिंग है इनकी फार बेटर है। जो मुझको पूमा में यू नो शूज़ पसंद आए थे तो उनकी लुक भी अच्छी थी, पर उनकी जो कुशनिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट नो द डिज़ाइन ऑफ दिस शूज़ और जो कुशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी मेरे को, और जो इसके लुक्स है ना वो देखते बनती हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ग्रे कलर में भी था और एक डिफरेंट कलर में था। उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा ये पसंद आया क्योंकि ब्लैक शूज़ में ना थोड़ा मेंटेनेंस कम होती है और इसके जो यू नो बेस के जो सोल है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो ऑल टुगेदर मुझे काफ़ी अच्छे लगे शूज़ ये। आपको कैसे लगे शूज़ मेरे न्यू शूज़ बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आते हैं ये लुक तो कहीं आप अपने नियरेस्ट डीकैथलॉन शोरूम में जा सकते हैं एंड यू कैन चेक इट आउट दीज शूज़। तो ये शूज़ अभी डिस्काउंट में चल रहे हैं, तो वैसे तो इनका MRP 8900 समथिंग है, बट अभी ये मुझे पड़े हैं 5600 रुपीज़ के। काफ़ी अच्छे शूज़ हैं और डीकैथलॉन के इन्होंने शूज़ काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रहते हैं। चाहे आप इस टाइप के स्पोर्ट्स शूज़ ले लो, चाहे आप अपने ट्रैकिंग शूज़ लो, द बेस्ट पार्ट है ट्रैकिंग शूज़ का वो वाटर प्रूफ होते हैं और 100% ड्यूरेबल होते हैं। मैं अराउंड मेरे पास भी एक और शूज़ पड़े हुए, वो अराउंड मैं 5 ईयर्स हो चुके हैं मेरे को, उनको मैं 5 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी बिल्कुल जैसे के तैसे हैं, बढ़िया हैं। तो कैसा लगा वीडियो मेरा, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स। एंड आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।